बीजेपी सांसद भोला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा में होली से पहले भी अप्रोच चला है, उसके बाद बहस, कल गृह मंत्री जी ने दिल्ली वॉयलेंस पे जवाब भी दिया है, उसके बाद भी प्रदर्शन ये सब चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष की और खासकर कांग्रेस की मानसिकता जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में ऐसे कार्य जिनके लिए सदियों और सालों निकल गए, उन कार्यों की बौखलाहट से, घबराहट से विपक्ष पूरा हताश है। और वो हताशा ही उनकी नज़र आती है कि बिना किसी मुद्दे को लेकर जो उनके मुद्दे होते हैं उन पर हमारी सरकार कभी पीछे नहीं हटी। अगर संसद में किसी मुद्दे को लेकर वो बहस करना चाहते हैं, हमारी सरकार ने बहस की, कल भी दिल्ली वायलेंस को लेकर बहस हुई और कांग्रेस के लोगों में इतनी क्षमता नहीं कि उस बहस के बात हमारे गृह मंत्री जी के जवाब को भी वो सुन पाते, बीच में उसके बीच में से चले गए क्योंकि उनके पास कुछ तथ्य नहीं है और जब उनकी सच्चाई खुल के सामने आती है तो वहाँ से भागने लगते हैं। पूरी तरीके से कांग्रेस हताश है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, इसलिए बौखलाहट में इस तरीके के कार्य, उनके सांसद संसद में अभद्रता करना, सांसदों से बदतमीजी के उसमें व्यवहार करना, स्पीकर के ऊपर पेपर वार के फेंकना, इस तरीके की मानसिकता को लेकर कार्य कर रहे हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग भी ओम बिरला जी ने बुलाई थी, उसमें भी आश्वस्त किया गया है कि सदन की कार्रवाई है वो प्रॉपर तरीके से चलने दी जाए। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी का, सरकार का और पार्टी का, सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता है। पिछले पूरे 5 साल में 2014-19 तक सबका साथ सबका विकास का नारा देकर हम लोग काम करते रहे, गरीबों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते रहे बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव के। और अभी भी सरकार की मानसिकता यही है कि इस देश के हर नागरिक का विकास होना चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की मानसिकता कुछ और लगती है, इसलिए वो उस रास्ते पे ना चल के, देश के किसानों के हित में ना सोच के, नौजवानों के हित में ना सोच के, वो सिर्फ भड़काने का काम और चीज़ों से भटकने का काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कल बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जोड़ तोड़ की ये जो राजनीति है वो बीजेपी कर रही है, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति तो कांग्रेस ने आज तक की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सुलझे हुए नेता हैं। मैं उनको बधाई भी दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने देश के हित में, देश के विकास के हित में एक साहसी निर्णय लेकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अपना समर्थन दिया, वास्तव में सराहनीय है। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है और राजस्थान में आई है, तभी से किसान परेशान होने लगा, उनको खाद नहीं मिल रहा है। हमारे जिन राज्यों में सरकार है उनमें हर व्यक्ति को जितना चाहिए इतना खाद मिलता है, लेकिन उन्होंने खाद अभी से मिलता तभी से मिल रहा, उनका खाद की किल्लत किसानों के लिए होने लगी। तो वहाँ की जन जन की जो समस्याएं थीं और उनको जो वादे कांग्रेस ने किसानों के साथ में और मध्य प्रदेश की जनता के साथ में अपने मैनिफेस्टो में किए थे, वो वादों पर खरे नहीं उतर रहे, तो इससे परेशान होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को जो प्रदेश में नहीं जाने दे रहे थे, इससे वो होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो निश्चित ही परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि किसान और नौजवान के हित के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश में। अगर कोरोना वायरस की बात करें, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्या सरकार कदम उठा रही है? सर, आपके क्षेत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो और चाहे एक ऐसा सामूहिक प्लेस हो, उन सभी पे जागरूकता के साथ में लोगों को अवेयर करने का काम, और उसके साथ साथ हर प्रदेश और हर जिले में हॉस्पिटल में इनके मरीजों को अच्छी सुविधा, इलाज देने की व्यवस्था सरकार ने अच्छे स्तर पे की हुई है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।